From today onwards, we will see more lectures, more on the practical exam preparation. And in this lecture, we will discuss more about the orientation of this practical exam preparation. So, maximum student ka ye doubt tha ki practical exam mein hum kya kya padhe, kahan kahan se padhe, aur kya kya hume preparation ke liye kya kya material ki requirement hoti hai, aur kya kya sections hote hai practical exam preparation mein, practical exams mein. To uske baare mein hum detail mein yahan pe hum discuss karenge, theek hai, ki kya kya aap logo ne padhna hai, aur kahan se padhna hai, aur kaise padhna hai. To aapki approach kya honi chahiye patient ko, patient ka jo case history lete hai, uske according, aur viva mein aapke liye, viva ke liye aapko kya prepare, kisse prepare karna hai, wo aap logo ne yahan pe dekhe, aap log dekhenge yahan pe, theek hai. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम जो ये प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन ओरिएंटेशन जो क्लास है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टोटल सेक्शंस कितने होते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम. प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या हम पढ़े हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस ओरिएंटेशन क्लास में. और दूसरा मोस्ट कंफ्यूजन ये रहता है कि हम पढ़ तो लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, लेकिन एग्जाम में जब वाइवा की बारी आती है, जब हमसे केस वाइवा लिया जाता है, टेबल वाइवा लिया जाता है, तो वहां पे हमारा कंफ्यूजन रहता है, हम सही से आंसर नहीं कर पाते. इवन हम लोगों को पता रहता है कि हाँ इसका आंसर ये है, लेकिन फिर भी हम एग्जामिनर के सामने आंसर नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें आप जो पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, इसमें आपकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन में, ये प्रॉब्लम होती है आप थ्योरी अलग से पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिकल में भी आप केस वाइवा अलग से, केस प्रेजेंटेशन अलग से पढ़ते हैं, टेबल वाइवा के लिए अलग से पढ़ते हैं, इमेजिंग के लिए अलग से पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर सब कुछ कंबाइंड वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आएगी, ठीक है. तो वही इंटीग्रेटेड अप्रोच हम डिस्कस करेंगे इन इस कोर्स में, प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में, कि कैसे आप ओवरऑल प्रिपेयर करें. तो जब आप क्या करते हैं, ओवरऑल प्रिपेयर करते हैं ना प्रैक्टिकल एग्जाम को अलोंग विद थ्योरी, थ्योरी जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे. अब कैसे हेल्प करेगा, मैं धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर लूंगा प्रैक्टिकल एग्जाम के, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर लिए हुए थे जो थ्योरी एग्जाम के लिए, वो कैसे यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन में. तो यहाँ पे जो हमारी मेन अप्रोच रहेगी इस कोर्स में, प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी, ठीक है. ऐसी अप्रोच आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होगी, ये अप्रोच हम यहाँ पे देखेंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन की जो ये जो ड्यूरेशन है इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा. तो हम उस इंटरेस्टिंग वे में क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे. तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज करेंगे. एक मिनट गाइस, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है. इंटीग्रेटेड अप्रोच में जितने भी सेक्शंस है ना प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन में, वो सारे के सारे सेक्शंस को, वो सारे के सारे कंटेंट को हम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो हियर व्हाट इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू कवर होल कंटेंट, ठीक है, ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम साइमल्टेनियसली. प्रैक्टिकल एग्जाम सेक्शन में बोल देता हूँ यहाँ पे, प्रैक्टिकल एग्जाम के जितने भी सेक्शन है ना, चाहे वो टेबल वाइवा है, चाहे केस वाइवा है, चाहे इमेजिंग है, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे ड्रग्स हैं, उन सबको हम साइमल्टेनियसली कवर करने की कोशिश करेंगे. तब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे गेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. जितने भी सेक्शन है सबको साइमल्टेनियसली हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. अब ये कैसे हो पाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमने कोई केस लिया, कोई डिसीज, कोई भी एक पर्टिकुलर मान लिया हमने, ये लिया डायबिटिक रेटिनोपैथी का केस लिया, तो इससे रिलेटेड जितनी भी इमेजिंग होंगी हम वहीं पे डिस्कस करेंगे कि हाँ इसको कैसे रीड करना है. आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे ओवरऑल, ये जो प्रिपरेशन, ये जो ड्यूरेशन है, ये जो लेक्चर्स है, ये जो कोर्स है, ये इंटरेक्टिव होने वाला है. आप लोग भी अपना इनपुट देंगे और मैं आप लोगों को करेक्ट करूंगा कि आप लोगों ने कैसे इंप्रूव करना है अपने आपको, कि कैसे आपने एग्जाम के लिए इंप्रूव करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो एग्जामिनर के सामने. तो इंटीग्रेटेड ये यहाँ पे हम क्या है,
इसमें इंटरेक्टिव सेशन होंगे, इंटरेक्टिव सेशन होंगे जहाँ पे आप लोग इंटरेक्टिव सेशन होंगे जहाँ पे आप लोग भी अपना इनपुट देंगे और वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कहाँ पे क्या है। तो जैसे इमेजिंग आई, तो इमेजिंग पहले मैं आप लोगों को एक आइडिया बताऊंगा कि इमेजिंग को कैसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, उसके बाद फिर दो तीन उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसमें आप लोग फिर एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, उसमें फिर मैं देखूंगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। सेम जब हम डिसीज का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इसमें, तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है तो वहां पे अगर डायरेक्ट ड्रग्स आ रहे हैं तो वो ड्रग्स को आपने कैसे टेबल वायो में एक्सप्लेन करना है, वो ड्रग्स हम देखेंगे, ठीक है। ऐसी अगर कोई डिसीज की सर्जरी हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है तो सर्जरी के कुछ कुछ वीडियो, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सर्जरी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, हालांकि देखो ऑस्की एग्जाम में अधिकतर ये वीडियो दिखाए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जहां पे ऑस्की नहीं होता है, तो वहां पे ये वीडियो के अकॉर्डिंग हमें इंस्ट्रूमेंट समझने में बहुत हेल्प मिलती है कि इंस्ट्रूमेंट को जैसे हम रटते हैं ना कि ये इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज होता है, ये इसके लिए यूज होता है, अगर हम एक बार वीडियो देख लेंगे ना और उससे टैग कर लेंगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं ना, तो फिर कभी भी हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और एग्जाम में अगर टेबल वाले में इंस्ट्रूमेंट होगा तो आराम से आप वहां एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाँ, इसको कौन सी सर्जरी में यूज करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम ओवरऑल। तो देखो, एक हमने केस पढ़ा, उससे रिलेटेड हमारा इमेजिंग भी हो गया, ड्रग भी हो गया, वीडियो भी हो गया, इंस्ट्रूमेंट भी हो गया, कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। यहां तक आपका क्या हो जाएगा, लगभग 80% आपकी प्रिपरेशन यहीं पे हो जाएगी जब हम केस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ ये भी हम देखेंगे कि वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी डिस्कस करते जाएंगे हम साथ के साथ, जो भी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन होंगे। आप देखो, तो मैंने बताया कि सेक्शन अलग अलग हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम में, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है और एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि आपने सबके लिए अलग अलग प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। और अगर आप ये इंटरकनेक्शन सीख जाते हैं ना, फिर आपको अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप वहां पे इंटीग्रेटेड अप्रोच के अकॉर्डिंग आप सब कुछ एक साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप देखो, यहाँ पे एक स्पेशल जो यहाँ पे मॉड्यूल मैंने डाला है वो ग्रुप बनाया है। यहाँ पे क्या है, मैंने देखा है इतने स्टूडेंट्स का वाइवा लेके, मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स में ये पावर तो है, उसके अंदर नॉलेज तो है, लेकिन वो नॉलेज बाहर नहीं आती है, एग्जामिनर जब पूछता है तब वो जवाब नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे मेन लैकिंग किस चीज की हो रही है, यहाँ पे मेन लैकिंग हो रही है डिस्कशन की। जितना ज्यादा आप डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा आप एग्जाम में बोल पाएंगे, उतना ज्यादा आप वाइवा में बोल पाएंगे। आपको पता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप कितना बोल पाते हैं एग्जामिनर के सामने, कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो मेनली मैटर करता है कि एग्जाम में आप पास होंगे या फेल होंगे, या कितने मार्क्स आएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो मैटर करता है। थ्योरी आप निकाल लेते हैं आराम से कि हाँ, थ्योरी में आपको किसी को बताना नहीं पड़ता, आप उसी क्वेश्चन को अगर थ्योरी में दिया जाए तो आप आराम से लिख लेंगे, लेकिन वाइवा में अगर एग्जामिनर पूछता है तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप डिस्कस नहीं किए होते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल जो मॉड्यूल रखा है, दैट इज द डिस्कशन। डिस्कशन वाला पार्ट हमारा मेन रहेगा यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन में। इसी डिस्कशन के लिए मैंने क्या किया है, प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन अलग से एक मैंने ग्रुप बनाया है, ठीक है। अब कैसे ये स्पेशल होगा ग्रुप, ये इस ग्रुप में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेली टास्क में पुट करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक केस ले लेंगे, मान लीजिए डायबिटिक रेटिनोपैथी, हर रोज कोई एक नया केस ले लेंगे, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे सब उसके सारे एस्पेक्ट, उसकी इमेजिंग के क्या क्या इमेजिंग हो सकती है, उसमें ड्रग्स क्या क्या हो सकते हैं, उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो अब देखो, इसको डिस्कस कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको लोगों को डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो डेली टास्क मैं डालूंगा ग्रुप में, जो मैंने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें क्या होगा, अगर मैंने कोई इमेजिंग, मान लिया मैंने कोई एक इमेजिंग दी है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप लोग, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम में अगर एक्सप्लेन करना है, मान लिया मैंने यहाँ पे FFA की पिक्चर मैंने डाली ग्रुप में, मान लिया हम डायबिटिक रेटिनोपैथी पढ़ रहे हैं, अगर ये केस प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर डे में, ये टास्क है, तो FFA की अगर मैंने पिक्चर डाली तो वहां पे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे FFA को एग्जाम में, वो आप वहां पे ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो सब लोग अपना इनपुट देंगे जो भी एग्जाम गोइंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे कहाँ कहाँ आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं FFA के इस उसमें एक्सप्लेन करने में, उसको प्रॉपर बताने में, इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसमें जिसका सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा जो एक्सप्लेनेशन, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे लेक्चर में, फर्दर लेक्चर में या कहीं और, फिर आप लोगों को ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। सिमिलरली कोई इंस्ट्रूमेंट है या ड्रग है इससे रिलेटेड, डायबिटिक रेटिनोपैथी, या कोई स्टडी है इससे रिलेटेड, तो फिर वो भी हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कोई वाइवा के क्वेश्चन अगर होंगे वो भी मैं ग्रुप में
पेस्ट करूंगा, वो आप साइमल्टेनियसली हमारी ओवरऑल ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है अलोंग विद द डिस्कशन, ये डिस्कशन के अलोंग हम क्या कर सकते हैं इस ग्रुप में पूरा डिस्कस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा डिस्कशन से, बस एक पॉइंट बचेगा, दैट इज द केस प्रेजेंटेशन। उसके लिए मैं क्या करूंगा, वर्चुअल केस दूंगा आप लोगों को, वो वर्चुअल केस उसमें ग्रुप में पेस्ट करूंगा। उसको आपने क्या करना है, जैसे आप हिस्ट्री लेते हैं एग्जाम में, जैसे हिस्ट्री लेंगे ना वैसे ही सेम आपने हिस्ट्री टेकिंग करनी है, एक पेज पे हिस्ट्री लिखनी है पेशेंट की पूरी, चीफ कंप्लेंट ये सब, और उसको फिर ग्रुप में ही पेस्ट करना है उसका पीडीएफ। फिर मैं चेक करूंगा कि हाँ आप वहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपको एक्स्ट्रा और एड ऑन करना है, क्या वहाँ पे आप कम किस चीज को आपने हटाना है, किस चीज में आपने और ज्यादा एड ऑन करना है, ये मैं वहाँ पे, और जिसका सबसे बेस्ट होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे कि हाँ इसमें ये इंक्लूड होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सब लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ केस को ऐसे लिखना है एग्जाम में और ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब लिखने का पार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन का आएगा, तो उसके लिए हम अलग से लेक्चर शेड्यूल कर लेंगे कि हाँ इस केस को ऐसे प्रेजेंट करना है। तो ओवरऑल हमारा पूरा प्रैक्टिकल के जितने भी सेक्शन है वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस ओरिएंटेशन इस फर्स्ट लेक्चर का कि क्या क्या हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या सेक्शन, जो मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट रहता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या के लिए क्या क्या हम प्रिपेयर करें और कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करें वो हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम, देखो ये मैं सेक्शन सब बताऊंगा क्या कैसे कैसे हम प्रोसीड करेंगे इस कोर्स में, प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में। उसके बाद एट द एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो एट द एंड आप पूछ सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड और प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आप लोगों को बता रहा हूँ सेक्शंस मोस्टली यही होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, थोड़ा बहुत डीएनबी में थोड़ा बहुत अलग होता है, थोड़ा बहुत एमडीएमएस में अलग होता है, लेकिन ओवरऑल आइडिया जो रहता है प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन का वो यही रहेगा कि लॉन्ग केस आपको मिलेगा, शॉर्ट केस मिलेगा, टेबल वाइवा होंगे और ऑस्की, कहीं कहीं ऑस्की होता है, कहीं कहीं ऑस्की नहीं होता है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन में इसको इंक्लूड करते हैं दोनों के लिए, जिनके यहाँ ये ऑस्की पूछा जाता है उनके लिए भी, जिनके यहाँ नहीं पूछा जाता है उनके लिए भी, ठीक है। तो देखो लॉन्ग केस अधिकतर मैक्सिमम टू केस रहते हैं, वेरी कर सकता है, मैंने आप लोगों को बताया कहीं तीन हो सकता है कहीं एक हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में जो होता है शेड्यूल वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैक्सिमम टू केसेस रहते हैं, ठीक है, टू लॉन्ग केसेस रहते हैं। इसमें क्या होता है अधिकतर एक इंटीरियर सेगमेंट का रखते हैं ये लोग और एक पोस्टीरियर सेगमेंट का रखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अब देखो इसके जो मार्क्स शेड्यूल रहता है ये एंटीरियर पोस्टीरियर का, कहीं कहीं 50 मार्क्स का एक केस रहता है, कहीं कहीं 40 मार्क्स का रहता है, कहीं कहीं 35 मार्क्स का, हमें उस पे नहीं जाना है, हमें मेनली जाना है किस पे, कि लॉन्ग केस को प्रेजेंट कैसे करना है, उसको लिखना कैसे लॉन्ग केस को और प्रेजेंट कैसे करना है, ये हम सब ग्रुप में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे वहां लाइव कि हाँ किसका बेटर है किसका बेटर नहीं है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट केस कहीं तीन होते हैं कहीं चार होते हैं, मैक्सिमम जगह क्या होते हैं, देखो एक तो ये चीज याद रखना, कई लोगों को कंफ्यूजन होती है, कहीं कहीं इसको शॉर्ट केस बोल देते हैं, कहीं कहीं इसको स्पॉटर भी बोल देते हैं और कहीं कहीं इसको वार्ड राउंड भी बोल देते हैं, मतलब सबका सेम ही, मतलब जो है वो सबका सेम है, वार्ड राउंड का, स्पॉटर का, शॉर्ट केस का, सबका मतलब सेम है। यहाँ पे ऑन स्पॉट हमें एग्जामिनेशन करना होता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसका प्रोफॉर्मा होना चाहिए शॉर्ट केस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं कहीं 15 मार्क्स का होता है पर केस, ये टोटल 4 केसेस रहते हैं, कहीं कहीं वेरी कर सकता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया शॉर्ट केस 3 भी हो सकते हैं, कहीं 5 भी हो सकते हैं, मैक्स इनका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है कहीं कहीं कभी कभी 15 मार्क्स का होता है, कभी कभी 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब मेन आता है टेबल वाइज, ठीक है, वैसे हालांकि मेन तो लॉन्ग केस है जिसके पीछे पड़े रहते हैं हम लोग, लेकिन हम इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं टेबल वाइवा में, बस हमें एक ट्रिक पता हो कि कैसे एक्सप्लेन करना है। इवन इफ यू डोंट नो ना, अगर आप एक पर्टिकुलर जनरलाइज अगर पॉइंट बता देते हैं उस डिसीज के तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे टेबल वाइवा में। तो अधिकतर ये भी 4 टेबल वाइवा रहते हैं, यहाँ पे 4 टेबल वाइवा रहते हैं। इसको कैसे अधिकतर क्लासिफाई किया जाता है, 4 टेबल वाइवा कैसे शेड्यूल किया जाता है, इसमें अधिकतर एक एक टेबल पे इमेजिंग रहती है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इमेजिंग में कैसे कैसे आपने एक्सप्लेन करना है, इमेजिंग का वाइवा होता है एक जगह इंस्ट्रूमेंट का वाइवा होता है, एक जगह इमेजिंग का वाइवा होता है, एक जगह इंस्ट्रूमेंट का वाइवा होता है, इंस्ट्रूमेंट का वाइवा होता है, ठीक है, एक जगह ड्रग्स का वाइवा होता है, ड्रग्स का वाइवा होता है,
और लास्ट में एक टेबल पे ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन का, जो हम अधिकतर प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, भूल जाते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, वो भी एक रिफ्रैक्शन का भी एक टेबल अलग से, वाइवा का ये ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन वाइवा का अलग से टेबल होता है, ठीक है। तो देखो इमेजिंग में मैंने बताया जितनी भी इमेजिंग हमने इसमें पढ़ी थी थियरी में, ओसीटी हो सकता है, एफएफए हो सकता है, पेंटाकैम हो सकता है, पेरीमिट्री हो सकता है, पेंटाकैम हो सकता है, पेरीमिट्री हो सकता है, इसको हम देखेंगे। देखो मोस्ट ऑफ द हमने इमेजिंग देखा हुआ है इसमें, थ्योरी जो हमने थ्योरी का प्रिपरेशन जो कोर्स देखा था उसमें हमने मोस्ट ऑफ द ये देखा था। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली किस पे फोकस करेंगे, कैसे आपने एक्सप्लेन करना है इसको, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, रीड कैसे करना है इसको एग्जाम में, और उसके साथ साथ वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने प्रिपेयर करना है इसमें, ठीक है। ऐसी सेम इंस्ट्रूमेंट में कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, इंस्ट्रूमेंट को, ड्रग्स को, वाइवा इसमें टेबल वाइवा में कैसे एक्सप्लेन करना है, और उससे रिलेटेड वाइवा क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है और कैसे कैसे, ये सब हम देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, हम डिस्कस करेंगे सबके ड्रग, सबके इंस्ट्रूमेंट, सबके इमेजिंग, ठीक है। और एट लास्ट ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन का क्रॉस देते हैं वो, इसका रेटिनोस्कोपी का वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि कैसे आपने उस क्रॉस को उस क्रॉस को कैसे सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कैसे करना है, उसको प्रिस्क्रिप्शन कैसे देना है अकॉर्डिंग टू दिस क्रॉस, प्रिस्क्राइब कैसे करना है उसमें स्पेक्टिकल, उसके अलावा जो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन है वो भी कभी कभी टेबल वाले में पूछ लेते हैं, तो वो ट्रांसपोजिशन भी हम देखेंगे। ये ट्रांसपोजिशन हो गया, ये हो गए रेटिनोस्कोपी क्रॉस हो गए, ये हम मैक्सिमम डिस्कस करेंगे ग्रुप में, जो ग्रुप मैंने बनाया है उस ग्रुप में मैं आप लोगों को डेली टास्क में, हो सकता है ये भी एक टास्क दूं, वहां आप लोगों ने इसको फिर सॉल्व करके वहीं पे पेश करना है अपना आंसर, ठीक है। और एट लास्ट मैंने आप लोगों को बताया कि देखो ये टेबल वाइवा में हमें ये तो याद रहता है, लेकिन दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनमें हमें श्योर शॉट मार्क्स मिल सकते हैं वो हम भूल जाते हैं, क्या है वो दो चीजें, वन इज लॉग बुक, वन इज लॉग बुक। ये लॉग बुक देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपने बस लिखना ही तो है, आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं ऐसे ही, कहीं कहीं ये सेपरेट इसके मार्क्स होते हैं, कहीं कहीं ये टेबल वाइवा में ही इंक्लूड होता है। तो अभी से ही जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो धीरे 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 लॉग बुक अपनी मेंटेन करना शुरू कर दे, तो अब यहाँ पे लोग स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम, ये भी डाउट रहता है कि लॉग बुक में लिखना क्या है। तो इसमें जो भी आपने केस देखे हैं, जो भी आपने केस देखे हैं या फिर प्रेजेंट किए हैं केस, वो आपने लिखने हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन आपने की है तो वो आपने लिखना है। अब इन्वेस्टिगेशन में केवल इन्वेस्टिगेशन ओसीटी एफएफए नहीं आता है, यहाँ पे अगर आपने गोनियो भी किया है वो भी लिख सकते हैं, गोनियो भी लिख सकते हैं, 90D किया है वो भी लिख सकते हैं, 78D किया है वो भी लिख सकते हैं, आईडीओ किया है वो भी लिख सकते हैं, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट है। उसके बाद अगर कोई माइनर प्रोसीजर अगर आपने किया है वो भी लिख सकते हैं आप उसमें, ठीक है। जैसे माइनर प्रोसीजर में कैलेजियन आता है वो लिख सकते हैं, आईएनडी आता है, ठीक है, फॉरन बॉडी रिमूवल आ जाता है, आईएनडी आता है फॉरन बॉडी, तो ये लिख सकते हैं। और एट लास्ट कोई मेजर प्रोसीजर आप कर रहे हैं, जैसे कोई भी सर्जरी आप कर रहे हैं, फेको कर रहे हैं या SICS कर रहे हैं, टेरिजियम की कोई सर्जरी कर रहे हैं, टेरिजियम की सर्जरी कर रहे हैं, DCR सर्जरी, एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन की सर्जरी कर रहे हैं, सॉरी एक मिनट, एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन की कोई सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, DCR हो गया, एंट्रोपियन एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन हो गया, ये सब अगर सर्जरी कर रहे हैं तो ये आप अपनी लॉग बुक में लिख सकते हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और आपको मार्क्स भी अच्छे देता है अगर कोई टेबल वाइवा में पूछता है एग्जामिनर तो देखो इसमें आपने ज्यादा एफर्ट, हाँ एग्जाम के एक दिन पहले आपको पता चलेगा कि लॉग बुक भी मेंटेन करनी है तब आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 1 महीना 2 महीना है अभी एग्जाम के लिए तो आप धीरे धीरे ही उसको लॉग बुक को मेंटेन कर सकते हैं, उसके फ्री के मार्क्स होते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस एग्जामिनर पूछेगा हाँ ये कैसे किया ये कैसे किया, अगर आपने बता दिया तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। और एट लास्ट जो हम भूलते हैं दैट इज द थीसिस, थीसिस का टेबल वायर में ही थीसिस का भी पूछते हैं। अब देखो आपकी थीसिस है, एग्जामिनर को नहीं पता है कि हाँ वो आपकी जो थीसिस टाइटल है वो क्या है या उसको डिटेल में आपने क्या किया, तो इसीलिए एग्जामिनर इसमें अगर आप जवाब दे देते हैं ना तो एग्जामिनर इसमें पूरे मार्क्स देता है आपको। इसमें देखो आपको क्या करना है, एटलीस्ट जो अधिकतर एग्जामिनर पूछते हैं आपका थीसिस टाइटल पूछते हैं तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए, इसके अलावा क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, कभी कभी इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पूछ लेते हैं, अगर नहीं भी ज्यादा पता है तो आप कुछ भी बना के बोल सकते हैं, उसे पता नहीं है कि आपने क्या लिया है क्या नहीं लिया है, लेकिन रिजल्ट आपको पता होना चाहिए क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इसी में ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि आपने क्या थीसिस लिया है और उसमें रिजल्ट क्या निकाला है, इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है एग्जामिनर। तो ये आपने मेंटेन करके रखनी है, एक लॉग बुक और एक ये थीसिस के टाइटल, ठीक है, ये फ्री के मार्क्स होते हैं टेबल वाइवा में।
अगर ये हो गया तो और एड ऑन हो जाएगा मार्क्स का, ठीक है। और एट लास्ट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये है ऑस्की, एक मिनट, ये जो ऑस्की है, मैंने कहा आप लोगों को ऑस्की, ऑस्की है क्या? देखो सबसे पहले हम समझते हैं ऑस्की है क्या। इट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब देखो कई जगह ये, कई यूनिवर्सिटी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब देखो ऑब्जेक्टिवली, अब क्या होता है, हर पेशेंट देख पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। कई रेयर केसेस ऐसे रहते हैं, कई रेयर ऐसे भी केसेस रहते हैं जो नहीं आते हैं हर किसी के हॉस्पिटल में या ओपीडी में नहीं मिलते हैं केस, तो उसके उसको हम कैसे प्रिपेयर करें, उसको उसके लिए ही बनाया गया है ये ऑस्की। ऑब्जेक्टिवली अगर हमने पेशेंट नहीं भी देखा है कोई एक पर्टिकुलर रेयर केस का, तो ऑब्जेक्टिवली हम कैसे उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यही इसी का मतलब होता है ऑस्की। तो अब देखो जिनके यहाँ आता है, जिनकी यूनिवर्सिटी में अगर आता है ऑस्की, उनके लिए तो वेल एंड गुड, उनको तो प्रिपेयर करना ही करना है। जिनके यहाँ नहीं भी आता है ना, उनको भी प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी जो क्लिनिकल स्किल्स है ना, ये बहुत इंप्रूव करती है। और ये जो क्लिनिकल स्किल है, ये जो क्लिनिकल स्किल है, ये कहीं ना कहीं आपको ओपीडी में भी फायदा करेगी और प्रैक्टिकल में भी फायदा करेगी। कि हाँ, कोई अगर आप केस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में केस ले रहे हैं, तो वहां पे भी आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा अगर आप ऑस्की प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, ये भी हम ऑस्की के लिए अलग से देखेंगे लेक्चर, ऑस्की में क्या क्या आपने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसकी के क्वेश्चंस के लिए, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। ठीक है, ये हैं डिफरेंट सेक्शंस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? नहीं है, इसका मतलब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारी ये तो मैंने आप लोगों को बताया ओवरऑल है क्या प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या सेक्शंस है। अब हम क्या करेंगे, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे ये सारे सेक्शंस को, वो हम देखते हैं। व्हाट आर द स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है ना, केस डिस्कशन, उसके बाद केस डिस्कशन के बाद है इमेजिंग, उसके बाद सर्जरी के वीडियोज, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, ड्रग्स, एंड देन लास्ट में ऑस्की। ये हम इसी ऑर्डर में ही इसको डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक चीज याद रखना, हमें क्या, हमें एक बर्डन टाइप से लगता है जब भी केस हम केस लेते हैं, कोई भी केस हम प्रेजेंट करते हैं, तो हमें एक बर्डन टाइप से लगता है। ठीक है, अब बर्डन क्यों लगता है, क्योंकि हमारी जो रीडिंग स्टाइल है वो थेरेटिकल है, हमारी जो रीडिंग स्टाइल है ना वो थेरेटिकल है। हम क्या करेंगे यहाँ पे इन लेक्चर्स में, और जो भी प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा, उसमें हम अपनी रीडिंग स्टाइल को ही चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे हम रीडिंग स्टाइल को, हम प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। कैसे इसको हम, देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं ओपीडी में या अपने वार्ड्स में, ये एक पजल की तरह लेना है हम लोगों ने, ये एक पजल की तरह लेना है, और उस पजल को हमने बस सॉल्व करना है। क्या मतलब हुआ इस पजल का और सॉल्यूशन का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है, आई में कोई प्रॉब्लम है, आई में कोई अगर प्रॉब्लम है पेशेंट को, मान लिया ऑब्स्ट्रक्शन है, वेस्कुलर ओक्लूजन है, वेस्कुलर ओक्लूजन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, केवल आई को ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं पेशेंट को। ऐसे अगर ट्रीटमेंट करना होता, मान लिया इस्कीमिक सीआरवीओ है, तो ट्रीट कर देते हैं आई को। क्या ये अच्छा तरीका है? नहीं, ये अच्छा तरीका नहीं है। उसके कॉज को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करें, हो सकता है आई में प्रॉब्लम हो लेकिन उसका जो कॉज है वो बॉडी में कहीं हो, हार्ट में कोई कुछ इसका कॉज हो, ब्लड में कुछ कॉज हो, तो जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता, ये याद रखना, तब तक हमारा वर्क डन नहीं होता है। और ये जो केस प्रेजेंटेशन है, ये उसी को ही आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि इसका कॉज क्या है, मेनली ये जो डिसीज आई में है, क्या ऑकुलर इसका कॉज है या एक्स्ट्रा ऑकुलर कॉज है। अगर एक्स्ट्रा ऑकुलर कॉज है तो आप आइडेंटिफाई करो, ये एक पजल की तरह हमने सॉल्व करना है कि इसका मेन कॉज कहाँ पे है। तो वही हम देखेंगे जब भी हम डिस्कस करेंगे ना, ये केस जितने भी केसेस हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम एक पजल की तरह ऐसे ही लेंगे कि हाँ ये है, पेशेंट आ रहा है, ये हम देखेंगे आगे फर्दर स्लाइड में भी मैंने डाला है कैसे हमने इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है। तो हमने बस अगर रीडिंग स्टाइल अगर थोड़ी सी चेंज कर दी ना, तो हमें बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा ये जो केस प्रेजेंटेशन है इसमें। तो देखो इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या, देखो एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि नहीं आप उसका जो पेशेंट दिया उसका डायग्नोसिस बनाओ और खत्म करो उसे, उसका ट्रीटमेंट बताओ, ये नहीं चाहता एग्जामिनर। एग्जामिनर ये चाहता है,
ये देखना चाहता है कि आप पेशेंट को ओपीडी में कैसे अप्रोच करते हैं, ऐसे पेशेंट को वही वो निकलवाना चाहता है आपके आपके दिमाग से। अगर आपने सच में पेशेंट देखा है, ओपीडी में सही अप्रोच की है, तो आप आसानी से वहां पे बता देंगे। तो वही अप्रोच हम पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ओपीडी अप्रोच ऑफ दी पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस की आप ओपीडी में कैसे अप्रोच करेंगे कि कोई पेशेंट आता है, फिर आप क्या करते हैं, विजन कराते हैं, विजुअल एक्विटी कराते हैं, फिर स्लिट लैम्प करते हैं, फिर फंडस करते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, फिर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं आप, ये आपको केवल एग्जाम में ही फायदा नहीं करेगी। ये आपको ओपीडी में कैसे अप्रोच करनी है किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट को, एक पर्टिकुलर केस को, वो भी फायदा करेगी यहाँ पे। और यही एग्जामिनर चाह रहा है, आपके दिमाग से यही निकालना चाह रहा है। अगर ये मिसमैच है, आप करते कुछ और हैं और वहां पे सो कर कुछ और कर रहे हैं एग्जामिनर के सामने, तो वो तुरंत पकड़ लेगा कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है, ये तुम्हारा मिसमैच है, आप करते कुछ और हो, पेशेंट देखा कुछ और है, आप थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो वहां पे फिर वहां पे क्या होता है, इवन कई कई बार ऐसा हुआ है, और जिन जो स्टूडेंट्स दे चुके हैं एग्जाम उनको पता होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपका वाइवा अच्छा भी जाता है फिर भी वो फेल कर देता है। डीएनबी में मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे हैं जिनका अच्छा वाइवा गया लेकिन फिर भी वो फेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो क्लिनिकल स्किल है ना, वो मैच नहीं करती है जो आप बता रहे हैं वहां पे, जो आपकी ओपीडी अप्रोच है किसी भी पेशेंट के लिए, वो वहां मैच नहीं करती। आप थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं और वहां पे केस कुछ और है, तो वहां पे आपका वाइवा अच्छा भी जाता है ना तो भी फेल कर देता है एग्जामिनर, ये बात याद रखना। तो इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है इसमें केस डिस्कशन में, सबसे पहले कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो ओपीडी में उसको कैसे अप्रोच करेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे केस को फर्दर, ठीक है उसका। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा केस डिस्कशन में, दैट इज द वाइवा प्रोसेस। तो जब हमने ये ओपीडी अप्रोच अगर सही ली है, सही ओपीडी अप्रोच अपनाई है, तो उससे रिलेटेड फिर क्या वाइवा के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, फर्दर लेक्चर्स में। तो ये हमारा ओवरऑल केस का डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कि आप कैसे पेशेंट देखते हैं ओपीडी में। अब देखो यहाँ पे एक चीज, एक फंडा बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जो आप लोगों को अपनाना चाहिए। जब हम थ्योरी के लिए पढ़ते हैं ना, मैंने बताया यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा रीडिंग स्टाइल चेंज करना है। थ्योरी में जब आप पढ़ते हैं तो मोस्टली आप क्या करते हैं, मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं। हाँ कोई चीज हो रही है, कोई प्रोसेस, उसकी प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि कोई प्रोसेस क्यों हो रहा है। यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल में थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, आपका थ्योरेटिकल अप्रोच यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को पजल सॉल्व करनी है। तो आप अपने दिमाग में एक बार सोचो, एक बार इमेजिन करो कि कोई पजल अगर सॉल्व करनी होती है आपने, तो क्या आप रटी रटाई चीज से पजल सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने वहां पे थिंकिंग अपनी डेवलप अगर कर ली, तो वहां पे आपको ओपीडी में पेशेंट भी देखना बहुत आसान हो जाएगा, आपकी क्लिनिकल स्किल में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगा और प्रैक्टिकल में भी आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे जब तक आपकी थिंकिंग नहीं डेवलप होगी, तब तक यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर, वाइवा का आंसर नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करनी है, थिंकिंग जो है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है कि हाँ केस क्या है, इसमें कैसे क्या कॉज हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हमने उस कॉज से रिलेटेड क्या क्या हिस्ट्री लेनी है, ये हमने देखना है फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है। यही सब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पे मैकेनिज्म और प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मेनली कंसेप्ट डेवलप करते हैं, कंसेप्ट डेवलप करते हैं, और यहाँ पे मेनली थिंकिंग डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप लोगों ने याद रखने, जब भी आपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कोई केस रीड करना है या उसको प्रेजेंट करना है, तो ये दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि आपकी थिंकिंग है या नहीं है उस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन इस कोर्स में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट बात आती है इमेजिंग की। देखो पहले हम केस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर लेक्चर्स में हम इमेजिंग इमेजिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इमेजिंग में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मोस्ट ऑफ द इमेजिंग हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस की है, जो नहीं की है वो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा प्रैक्टिकल क्लासेस में। यहाँ पे आपने कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रीड करना है एग्जाम में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद मैंने बताया ये इंटरेक्टिव सेक्शन होगा, उसको बताने के बाद आप लोग फिर रीड करेंगे, आप लोग फिर प्रेजेंट करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को इम्प्रूव कर पाऊं कि कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हाउ टू रीड इन दी प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपने कैसे रीड करना है वो भी देखेंगे। और इस इमेजिंग से रिलेटेड अगर टेबल वाया के क्वेश्चंस अगर कोई उससे रिलेटेड, इमेजिंग से रिलेटेड होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है। उसके बाद सर्जरी में देखो, सारी सर्जरी हमने नहीं देखनी है, सर्जिकल जो वीडियो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सर्जरी, जैसे विट्रोवेट्रिनल सर्जरी है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट रखे हुए होंगे, तो आपको ऑस्की में भी फायदा होगा इससे, अगर कोई वीडियो दिया हुआ है, और उसके इंस्ट्रूमेंट में भी फायदा होगा, ठीक है। तो सर्जरी
केवल यहाँ पे रीड नहीं करनी है उसको, उसके सर्जिकल वीडियो भी हम लोग देखेंगे। और क्यों सर्जिकल वीडियो देखेंगे, मैंने बताया आप लोगों को, इससे आपको इंस्ट्रूमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट आपको रटना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट अगर आप टैग कर लेते हैं ना सर्जरी के अकॉर्डिंग, जो भी वीडियो हम देखेंगे ना इस, ये देखो कौन सी वीडियो आपने देखनी है कौन सी नहीं देखनी है, ये मैं वही ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा। फिर उससे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, डिस्कस करेंगे, फिर टैग करेंगे कि हाँ कौन सा सर्जिकल स्टेप था वहां पे जिसमें हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उससे आप क्या कर सकते हैं इजिली कोरिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और कोरिलेट कर देंगे फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, और रटना नहीं होता प्रैक्टिकल एग्जाम में, आपने थिंकिंग अपनी डेवलप करनी होती है, आपने थिंकिंग डेवलप कर ली फिर रटने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर एग्जामिनर आपसे ओवरऑल कुछ भी पूछ ले आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। ऐसी सेम ड्रग्स इससे रिलेटेड अगर कोई है, जो भी केस हमने डिस्कस किया है, इमेजिंग डिस्कस की है, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट है या मेडिकल ट्रीटमेंट अगर है आ रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे ड्रग्स, जो भी ड्रग्स एग्जाम में रखे हुए होते हैं टेबल वाइवा में, वो हम फिर डिस्कस करेंगे कैसे आपने एक्सप्लेन करना है और आपने किन किन ड्रग्स को ध्यान में रखना है। देखो ड्रग्स में भी आपने सब नहीं पढ़ना होता, जैसे कुछ कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भूल जाते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हम भूल जाते हैं, परसेंटेज हम भूल जाते हैं, तो मेनली हमें इसी पे फोकस करना है, परसेंटेज भूल जाते हैं इसी पे फोकस करना, बाकी हमें पता है यूज कहाँ होता है ये हमें पता है, हमें पता है ग्लोकोमा के ड्रग्स कौन से हैं, हमें पता है यूवीआईटिस के ड्रग्स कौन से हैं, लेकिन हमें जो मेन फोकस करना होता है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, परसेंटेज पे, ठीक है। ये चीज हम देखेंगे डिटेल में, बाकी ये भी इंटरेक्टिव सेशन होगा, मैं पहले बताऊंगा कैसे एक्सप्लेन करना, फिर आप लोग एक्सप्लेन करेंगे वन बाई वन, और लास्ट में उसकी मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट में क्यों डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये जब सब हो जाएगा ना तो ये एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए, जो ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है ये एकदम इजी हो जाएगा अगर आपने ये सारे हर्डल क्रॉस कर लिए, केस प्रेजेंटेशन के, इमेजिंग के, सर्जरी के, इंस्ट्रूमेंट के, ड्रग्स के, ये सारे हर्डल क्रॉस हो गए ना एक बार, तो उसकी आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा आपने। और ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे आपके लिए उसकी एकदम सिंपल हो जाएगा, बस आपने करना क्या है, जो मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच से आप लोगों को फर्दर लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कोर्स में, वैसे ही आपने अप्रोच रखनी है जो भी आपने प्रिपेयर करना है प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हमने कैसे प्रोसीड करना है अपने लेक्चर्स को फर्दर इस कोर्स में, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट क्या स्ट्रेटजी होगी वो हम देखते हैं, कि जैसे सबसे पहले मैंने बताया केस डिस्कशन करेंगे, ये जो केस डिस्कशन करेंगे इस केस में हम सबसे पहले कौन से केस डिस्कस करेंगे, जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट क्या स्ट्रेटजी होगी, जैसे अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम रेटिना उठाएंगे, तो रेटिना में जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले केस डिस्कस कर लेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्कुलर ऑक्लूजन है, सीआरबीओ वीआरबीओ है, वो डिस्कस कर लें, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मैकुलर होल है, ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना वो हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार हमारे केस हो गए खत्म, उसके बाद हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी इमेजिंग होगी ना वो इमेजिंग फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग बताएंगे कि हाँ कौन सी डिसीज में कौन सी इमेजिंग हम ये यूज करते हैं और इसको रीड कैसे करना है एग्जाम, ठीक है। फिर उसके बाद इमेजिंग के बाद फिर हम क्या करेंगे वही इसमें, जैसे मान लिया रेटिना में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा है, जो वीडियो दिखाते हैं और स्कीम में, वो वीडियो कौन से रहते हैं, देट आर मोस्टली ऑन द विट्रोरेटिनल सर्जरी या मैकुलर होल सर्जरी, ये सर्जरी तो वीडियो में ग्रुप में पोस्ट करूंगा, फिर उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट होंगे ना वो हम डिस्कस करेंगे, और रेटिना से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और एट लास्ट रेटिना में जो भी ऑस्की के क्वेश्चन हो सकते हैं ना सबको ओवरऑल हम देखेंगे कि क्या क्या ऑस्की के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें आप लोग आंसर करेंगे, इसमें मैं पूछूंगा आप लोग आंसर करेंगे, फिर कहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे आपकी अप्रोच जो है वो ठीक नहीं जा रही है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक बार रेटिना का मॉड्यूल खत्म हो जाएगा सेम यही प्रोसेस फॉलो होगा ग्लोकोमा में, कॉर्निया में, इसमें इसमें इसमें, फिर ये, फिर एट लास्ट में हम ये खत्म कर देंगे, ये जो हमारा कोर्स है प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन का ऐसी सेम चलेगा, पहले रेटिना के ये सब डिस्कस होंगे, फिर ग्लोकोमा के डिस्कस होंगे, फिर दिस 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 फिर दिस, और एट लास्ट हम ये कंप्लीट हैं, ठीक है। और कई स्टूडेंट का डाउट है कि कितने दिन में खत्म होगा, तो ये जितना जल्दी, जितना आप लोग जल्दी इसको ग्रास्प करेंगे ना, जितने जल्दी आप लोग अप्रोच को पकड़ लेंगे उतना जल्दी मैं प्रोसीड करते जाऊंगा आगे, ठीक है। ये आपके, क्योंकि देखो मैंने लेक्चर ले लिया, मैंने अगर समझा दिया लेकिन आप लोग नहीं गेन कर पा रहे हैं तो फिर ऐसे लेक्चर्स का कोई फायदा नहीं, तो आप लोग जितनी जल्दी गेन करेंगे ना, जितनी जल्दी आंसर करेंगे ग्रुप में जो भी मैं पोस्ट करूंगा, उतनी जल्दी मैं और फास्ट कर दूंगा, ये जो लेक्चर की फ्रीक्वेंसी है उतनी जल्दी मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये हो गया केस डिस्कशन, अब आते हैं बात इमेजिंग की। जैसे देखो एक केस डिस्कशन में मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब भी हम केस टेकिंग करते हैं, केस लेते हैं,
कोई भी लॉन्ग केस हो या शॉर्ट केस हो, तो उसमें क्या करते हैं हमें बहुत बोरिंग लगता है वो। बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस नहीं पता है, किस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता है कि हिस्ट्री जो हम ले रहे हैं उसका मतलब क्या है, क्यों हिस्ट्री ले रहे हैं, हम करना क्या चाहते हैं हिस्ट्री लेके। क्योंकि हमारे दिमाग में हम क्या करते हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका पहले से ही हम डायग्नोसिस पता कर लेते हैं। अब उसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ ना फिर हिस्ट्री लेने का, जब डायग्नोसिस आपको पता है। क्यों नहीं है? देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे मैं लाइव एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लिया पेशेंट आया हमारे पास विद चीफ कंप्लेन ऑफ सडन डिमिनीशन ऑफ विजन, सडन डिमिनीशन ऑफ विजन। अब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? एग्जामिनर क्या जानना चाहता है आपसे? आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या थिंकिंग, जो मैंने थिंकिंग की बात की ना प्रैक्टिकल एग्जाम में, वो थिंकिंग कैसे डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर? आपके अंदर थिंकिंग ऐसे डेवलप होनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन सी डिजीज है जिसमें सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है, ये तुरंत आपके दिमाग में। अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल, यहाँ पे थ्योरी आ गई ना, थ्योरी जब तक नहीं पता होगी आपको कि हाँ ऐसे कौन कौन सी डिजीजेज हैं जहाँ पे सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है, तो आपका रिएक्शन टाइम यहाँ पे हम मुझे फास्ट करना है, जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आप लोग ग्रास्प कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में अगर नहीं आता है ना कि हाँ कौन कौन सी डिजीज में ये सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है, तो श्योरली एग्जामिनर वाइवा में पूछेगा कि व्हाट इज द डीडी ऑफ सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। यही वाइवा क्वेश्चन बन जाता है, जो आप सोच नहीं पाते वो एग्जामिनर सोच लेता है। तो फिर वहां पे आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बताता हूँ, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन में सीआरए वो आता है, इस्कीमिक सीआरवी वो आता है, इस्कीमिक सीआरवी वो आता है, मैकुलर इडिमा आता है, या तो इसी में इस्कीमिक सीआरवी में या नॉन इस्कीमिक में भी अगर मैकुलर इडिमा आता है तो वहां भी सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है। आरडी में होता है अगर आरडी मैकुला को इन्वॉल्व करता है, इफ इन्वॉल्विंग द मैकुला, मैकुला को अगर इन्वॉल्व करता है तो वहां भी सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होता है। अगर बहुत ज्यादा विट्रियस हेमरेज हो रहा है तो उस केस में भी। तो देखो आपने 8-10 नहीं याद रखने हैं, आपने 3-4-5 ही याद रखो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। देखो आपसे रेयर चीज नहीं जानना चाहता एग्जाम, आपसे कॉमन चीज जानना चाहता है। अगर आपने रेयर चीज ही पहले बता दी तो फिर वहां पे एग्जामिनर जो है उसके दिमाग में फिर गलत इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, आपने कॉमन कॉमन जो भी उसके डीडी बनते हैं ना वो कॉमन कॉमन भी पता है ना, तो एग्जामिनर आपको पास कर देगा तुरंत, ठीक है। अब देखो इसका हमें इंपॉर्टेंस पता चला कि हाँ जो हमने कंप्लेन जो पेशेंट ने बताई है उसका इंपॉर्टेंस ये है। अब देखो दूसरा पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस का क्या रोल है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस का क्या रोल है, प्रेजेंटिंग इलनेस का क्या रोल है जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तब। ये जो हमने इसमें डीडी हमारे दिमाग में जो आने चाहिए थे, जो आते नहीं अधिकतर स्टूडेंट के दिमाग में, वो डीडी हमारे हमें सोचना है, ये डीडी हो सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि सब में होता तो है सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, तो इनकी जो एक्यूट हिस्ट्री है ये भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे सीआरओ में थोड़ी सी जो वो रहेगा क्या प्रोसेस जो रहेगा ना सडन पेनलेस डिमिनेशन ऑफ विजन, उसका थोड़ा सा अलग रहता है। तो ये हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में लिखते हैं क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सीआरओ में टिपिकल हिस्ट्री देगा किसकी, सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन तो होगा, लेकिन इसमें अमाउरोसिस फ्यूगेक्स की हिस्ट्री अधिकतर देता है, अमाउरोसिस फ्यूगेक्स की हिस्ट्री देता है, अमाउरोसिस फ्यूगेक्स की हिस्ट्री देता है। तो ये भी वही है कि सडन पेनलेस, लेकिन किस तरह से सडन पेनलेस विजन हुआ है उसमें थोड़ा सा प्रोसेस हर किसी में अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे सीआरए हुआ है इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री ऐसे चेंज, देखो प्रेजेंटिंग इलनेस का मतलब यही है कि वो प्रेजेंट तो किया है लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस जो चेंज है, इन सब में प्रोसेस चेंज होता है प्रेजेंटिंग इलनेस का, वही हम इसमें रूल आउट करते हैं। यानी हम इसमें करते क्या है, मेनली हम इसमें रूल आउट करते हैं जितनी भी हमने डीडी सोचे हैं ना, उन डीडी में से कोई एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस रूल आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या है, टू रूल आउट डिफरेंट डीडीज, जितने भी हमने डीडी सोचे हैं ना अपने दिमाग में उसको रूल आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया इसकी प्रेजेंटिंग कोर्स कुछ और होगा, इसमें अमाउरोसिस, और देखो ऐसे नहीं है अमाउरोसिस फ्यूगेक्स इसमें ही मिलेगा, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मोस्टली इसमें मिलता है। जैसे इस्कीमिक सीआरवीओ की मैं बात करूँ ना, इस्कीमिक सीआरवीओ की मैं बात करूँ, सीआरवीओ इसमें अधिकतर क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेरियोरेशन, मार्क डिटेरियोरेशन होता है विजन का, कब डिटेरियोरेशन होता है विजन का ऑफ विजुअल एक्विटी, कब, स्पेशली इन द मॉर्निंग, स्पेशली स्पेशली इन द मॉर्निंग। अब मुझे ये बताओ जब आप हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस लेते हो और अगर आप ये सब हिस्ट्री नहीं ली आपने, इसको अगर नहीं है हिस्ट्री अमोरोसिस फ्यूगेक्स की, वही उसी को बोल देते हैं निगेटिव हिस्ट्री, उसी में आपने लिखना है नो हिस्ट्री ऑफ अमोरोसिस फ्यूगेक्स, क्योंकि आप इसको रूल आउट करना चाहते हो, ये नहीं है।
इसके बाद आपने इस्टीमिक सीआरपीओ को रूल आउट करना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर हिस्ट्री रहेगी प्रेजेंटिंग इलनेस की कि नहीं, मॉर्निंग में विजुअल एक्विटी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है, और भी बहुत सारी होती है, हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ बस मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आरडी है, अगर आरडी में भी सडन पेनलेस ले डिमिनेशन ऑफ विजन होता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटिंग इलनेस की हिस्ट्री है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। क्या इसमें पेशेंट को फॉलिंग ऑफ द कर्टेन की, ब्लैक कर्टेन की हिस्ट्री होगी, फॉलिंग ऑफ ब्लैक कर्टेन इन द विजुअल फील्ड, ब्लैक कर्टेन ठीक है इन पर्टिकुलर फील्ड, विजुअल फील्ड में क्या होगा उसको फॉलिंग ऑफ कर्टेन, बाकी इसमें नहीं होगा फॉलिंग ऑफ कर्टेन की हिस्ट्री, लेकिन इसमें होगा। तो देखो इसमें अलग हो गया ना, ये इसका प्रेजेंटिंग इलनेस है वही सेम डीडी सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन, लेकिन प्रेजेंटिंग इलनेस डिफरेंट हो गया। लास्ट में मान लिया आप लोग बोलते हैं विट्रेस हेमरेज हो गया, अगर विट्रेस हेमरेज में भी थोड़ी सी प्रेजेंटिंग इलनेस की हिस्ट्री अलग रहती है, क्या इसमें पेशेंट को फ्लोटर्स ज्यादा दिखते हैं, फ्लोटर्स ज्यादा दिखते हैं। अब फ्लोटर्स क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो भी ब्लड क्लॉट्स है ना विट्रियस में, ड्यू टू ब्लड क्लॉट्स इन द विट्रियस, ब्लड क्लॉट्स है विट्रियस में वो वहां पे क्या होते हैं मूव करते रहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे फ्लोटर्स की हिस्ट्री होती है। अब देखो ब्लड सेल्स हैं तो अलग फ्लोटर होगा, ब्लड क्लॉट है तो अलग फ्लोटर होगा, तो यहीं पे वाइवा का क्वेश्चन बन जाएगा। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब भी हम लेक्चर लेंगे इसका। तो देखो यहाँ पे वाइवा में क्या होगा, जैसे ब्लड क्लॉट अगर कोई है तो वहां पे पेशेंट को स्कोटोमा दिखता है, अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं ना तो स्कोटोमा दिखता है, तो एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि इस फ्लोटर में, विट्रस हेमरेज के फ्लोटर में और स्कोटोमा में क्या डिफरेंस है। तो जो स्कोटोमा एक्चुअल स्कोटोमा होगा ना वो मूव नहीं करेगा विद आई मूवमेंट, इट डज नॉट मूव विद आई मूवमेंट, लेकिन अगर ब्लड क्लॉट की वजह से अगर कोई स्कोटोमा हो रहा है वहां पे वो आई मूवमेंट के साथ मूव करता है, आई मूवमेंट के साथ मूव करता है आई मूवमेंट। तो ये क्या आपको रटने की जरूरत है, नहीं, आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है इसमें, तो अपने आप ही समझना है, थिंकिंग डेवलप करनी है, अपने आप ही आपका आंसर निकलेगा एग्जामिनर अगर पूछता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करें। ऐसे मान लिया ये मैंने बताया कि मैकुलर इडिमा है, तो मुझे कोई बता सकता है अगर मैकुलर इडिमा है तो इसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आप क्या हिस्ट्री रूल आउट करेंगे, हिस्ट्री है कौन सी हिस्ट्री रूल आउट करेंगे अगर मैकुलर इडिमा है तो, बता सकता है कोई मुझे, डिस्टोर्टेड विजन, मेटामोर्फिया, मेटामोर्फोप्सिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पेशेंट नहीं भी बता रहा है तो आप उस वहां पर नेगेटिव हिस्ट्री लोगे, नो हिस्ट्री ऑफ मेटामोर्फोप्सिया। अब एग्जामिनर ये पूछेगा क्यों लिया आपने, तो आप बताओगे मैं मैकुलर इडिमा रूल आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, डिसक्रोमेटोप्सिया भी हो सकता है यहाँ पे, आफ्ताब भी ठीक है, यहाँ पे कई सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो हमें रूल आउट करने हैं, वही नेगेटिव हिस्ट्री में हमने लेना होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में। अब हमें इसमें समझ आ गया कि हाँ ये क्यों ले रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस समझ आ गया ना आप लोगों को, तो फिर आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो और इसको प्रोसीड करते हैं, जैसे मान लिया हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस ये हो गया, आपने इस डीडी में से कोई एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस बना लिया, मान लिया ये बना लिया कि पेशेंट को मार्क डिटेरियोरेशन हो रहा है विजन में, तो बाकी सब नेगेटिव हिस्ट्री में आ जाएगी, ये नेगेटिव हिस्ट्री, ये नेगेटिव हिस्ट्री, ये नेगेटिव हिस्ट्री। अभी हम पॉजिटिव हिस्ट्री एक लेते हैं जो पेशेंट दे रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव हिस्ट्री ले रहे हैं, वो भी सीआरबीओ की, मान लिया मैं इस्केमिक सीआरबीओ की पॉजिटिव हिस्ट्री है, ठीक है। अब देखो मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे आपका डायग्नोसिस बन गया, क्या यहाँ आपका वर्क फिनिश हो गया, क्या क्या यहाँ पे आपका वर्क फिनिश हो गया, क्या आपने ये नहीं यहाँ पे सर। बता, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ यहाँ पे फिनिश, इसलिए क्योंकि आपने अभी इसकी वजह नहीं जानी। हो सकता है इसका कॉज ऑकुलर हो सकता है इसका कॉज एक्स्ट्रा ऑकुलर हो, तो वो कॉज आपने जानना है ना, बिना कॉज जाने आप ऐसे पेशेंट को नहीं छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते। अब उसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस लेंगे, हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस लेंगे, पास्ट इलनेस की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। अब पास्ट इलनेस में आप क्या करना चाह रहे हैं, कॉज को रूल आउट करना चाह रहे हैं कि कॉज क्या है, इंट्रा ऑकुलर है कि एक्स्ट्रा ऑकुलर है। तो जैसे मान लिया हमें अब यहाँ पे थेरी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सीआरबीओ में जो भी मैंने थेरी का लेक्चर लिया है, पहले तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा कि जो भी मैं केस डिस्कस करूंगा उसकी आपने थेरी का लेक्चर पहले से ही पढ़ के आना, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हाँ क्या क्या कॉज हो सकता है, फिर उसको हम सब लोग मिलके उसका कॉज को रूल आउट करने की कोशिश करेंगे, तब ये सेशन इंटरेक्टिव होगा। अदरवाइज मैं केवल बताते जाऊंगा तो आपकी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, मेनली आप लोगों की थिंकिंग डेवलप करानी है, ठीक है। तो अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हो सकता है इसका एक कॉज हाइपरटेंशन डायबिटीज हो, तो पास्ट हिस्ट्री में आपने पूछना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज मेलाइटस, ये हिस्ट्री है या नहीं, तो ये भी कॉज कराते हैं सीआरबीओ के, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है कि इसमें डिटेल में से जो थ्योरी का लेक्चर लिया था इससे ये जो ऑक्लूजन हो रहा है आई में, जो ऑक्लूजन हो रहा है हो सकता है सिस्टमिक कोई एम्बोलस आया हो उससे ऑक्लूड हो रहा हो,
तो वहां पे हमें कार्डियोवास्कुलर हिस्ट्री पूछनी है उसकी, पास हिस्ट्री में कि कोई कार्डियोवास्कुलर हिस्ट्री तो नहीं है कोई इसका, ये जो एम्बोलस है हो सकता है कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हुआ हो पहले से, तो वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री लेनी है, कोई थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर हुआ हो उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे एम्बोलस आया हो, या फिर प्रीवियस कोई सर्जरी हुई हो जिसमें रिट्रोबल्बर ब्लॉक लग रहा है उसमें हो सकता है यहाँ पे ओक्लूजन हो, कंप्रेशन हो सेंटर रेटिनल वेन का, तो उसकी वजह से रिट्रोबल्बर ब्लॉक की वजह से भी कभी कभी हमें क्या मिलता है यहाँ पे ये मिल सकता है। तो देखो ये सब चीजें रटनी नहीं है आपने, यहाँ पे मतलब समझना है कि पास्ट इलनेस का मतलब क्या है, इसका मेन जो रोल है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी आपने प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाया है ना हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में इसके कॉज क्या हो सकते हैं, उस कॉज को आपने यहाँ रूल आउट करना है पास्ट इलनेस में। इसके लिए आपको थ्योरी का लेक्चर एकदम अच्छे से भी याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं रूल आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉजेज हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब भी हम ये केस डिस्कशन करेंगे, बस मैं यहाँ पे आपको एक ब्रॉडर आइडिया बता रहा हूँ कि हमने प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई हिस्ट्री नहीं है ना डायबिटीज की है ना इसकी है, सारी हिस्ट्री नहीं है, तो आपने वहां पे निगेटिव हिस्ट्री में लिखना है इसको, निगेटिव हिस्ट्री में नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज मेलाइटस, ये तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहीं पे वाइवा का क्वेश्चन बन जाता है, तो आपने बताना है हाँ इसकी वजह से ये कॉज है इसका सीआरबीओ का, कैसे कॉज है कैसे कॉज करता है वो बताना है, बस हो गया, यहाँ पे आपका पास्ट इलनेस भी हो गया। इसके बाद ये सारे निगेटिव हिस्ट्री में आ गए, आपको पता ही नहीं चला कि हाँ यहाँ पे कोई कॉज है भी या नहीं, तो फिर फर्दर और हिस्ट्री लेते हैं अगर आपको नहीं पता चला, जैसे फैमिली हिस्ट्री है, हम क्या करते हैं हम अभी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कैसे भी हमें इस डिजीज की वजह पता चल जाए, कि अगर इन रिस्क फैक्टर से नहीं पता चल रहा है तो फैमिली हिस्ट्री लेंगे। कुछ कुछ ऐसी डिजीज रहती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, जैसे मान लिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, सॉरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ये रन करता है फैमिली में, तो हो सकता है वहां पे कॉज छुपा हुआ हो, जैसे हाइपर होमोसिस्टिनीमिया है, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया है वो फैमिली में रन करता है, सिकल सेल एनीमिया है वो फैमिली में रन कर रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है वो फैमिली में रन कर रहा है, तो हो सकता है कॉज वहां पे छिपा हुआ हो, तो इसीलिए हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। तो अगर नहीं आती है ये भी नेगेटिव आती है, तो वहां पे नेगेटिव हिस्ट्री में लिखेंगे नो हिस्ट्री ऑफ दिस एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्लॉटिंग डिसऑर्डर, तो ये लिखना है आपने। अभी भी आपको कॉज नहीं पता, सब नेगेटिव हिस्ट्री में लिखते जाना है, देखो ध्यान दो यहाँ पे सब नेगेटिव हिस्ट्री में लिखते जाना है, अभी भी नहीं पता चला तो कोई पर्सनल हिस्ट्री लेना है, फर्दर पर्सनल हिस्ट्री लेना है। अब पर्सनल हिस्ट्री में भी कई बार ऐसे रहते हैं जो कॉमन फैक्टर कंफाउंडिंग फैक्टर रहते हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर जैसे स्मोकिंग हो गया, वो भी क्या करता है हमारी वेसल्स में इफेक्ट डालता है, वो भी क्या करता है आर्टेरियो स्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस करा सकता है, एक रिस्क फैक्टर है उसके लिए, तो वहां पे हमने वो हिस्ट्री लेनी है, हो सकता है उसकी वजह से वो एक रिस्क फैक्टर हो। कोई एल्कोहल है वो भी बैड इम्पैक्ट डालता है हमारे ब्लड वेसल पे और हार्ट पे, वो भी एक हिस्ट्री लेने, कोई टोबैको है तो वहां भी फ्री रेडिकल डैमेज होता है, तो यहाँ पे कोई कॉज मिल सकता है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ये है, ये अगर आप नहीं भी लेते हैं तो चल जाएगा, लेकिन स्मोकिंग एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर है, आप लोग जाके देख लेना सीआरबीओ के केस में स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर, तो वहां पे आपने अगर ये नेगेटिव हिस्ट्री नहीं ली ना तो वहां पे आपको एग्जामिनर नहीं पास करेगा, ये याद रखना। अब यहाँ पे स्मोकिंग की भी नेगेटिव हिस्ट्री है तो फिर फर्दर आपने और हिस्ट्री लेनी है कि हाँ वजह और क्या हो सकती है, कोई ड्रग हिस्ट्री है अगर पेशेंट को, तो वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल ड्रग हिस्ट्री में अगर फीमेल्स है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ज्यादा यूज करते हैं वो लोग, तो उसमें भी क्या होता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर ब्लीडिंग डिसऑर्डर थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर होता है, तो वहां पे हो सकता है इसका कॉज छुपा हुआ हो। तो बस हम क्या कर रहे हैं ये कॉज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी हम ये नेगेटिव हिस्ट्री ले रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव हिस्ट्री और कई और वैक्सीन, जैसे इसमें ड्रग हिस्ट्री में जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया रिसेंट, जैसे अभी कोविड-19 वैक्सीन हो गया उसमें देखा गया है सीआरबीओ, तो कोई भी वैक्सीनेशन की जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में भी देखा गया है कि उसमें भी कई सारे यहाँ पे एविडेंस मिले हैं कि उसकी वजह से भी यहाँ पे थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर होता है, तो वहां की वो हिस्ट्री लेनी है, अगर नहीं है तो आप नेगेटिव हिस्ट्री में इसको इंक्लूड कर दो, तो ये सारी हिस्ट्री लेके आपने कॉज रूल आउट करना है, फिर उसको आगे फर्दर एग्जामिनेशन वगैरह हम करते हैं, वो हम क्या करते हैं जो हमने प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाया है उसको हम मेनली क्या करते हैं एग्जामिनेशन करते हैं कि हाँ प्रॉपर एग्जामिनेशन से क्या फर्दर ट्रीटमेंट होना चाहिए इसका, और डायग्नोसिस को हम क्या करते हैं उसको कंफर्म करते हैं, बस ये है इंपॉर्टेंस हिस्ट्री का, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को पता रहेगा ना तो हिस्ट्री टेकिंग में भी आप लोगों को मजा आएगा, वहां पे इंटरेस्ट आएगा कि हाँ अब हमें पजल सॉल्व करनी है ये, कि हाँ ये अगर डिसीज आई है आई में तो ये सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आई में ये आई है, तो आई में तो एग्जामिनेशन करना ही करना है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, समझ आ रही है बात।
यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया केस डिस्कशन। फिर मैंने बताया आप लोगों को केस, हमने जैसे रेटिना के सारे केस डिस्कस कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेटिना की ही इमेजिंग करेंगे। जैसे सारे केस डिस्कशन हो गए, फिर जैसे सीआरबीओ, वीआरबीओ, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैकुलर होल में जो भी इमेजिंग आती है ना, वो सारी इमेजिंग हम बी स्कैन हो गया, वो सब इमेजिंग क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। और ये भी मैंने बताया आप लोगों को, पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला, आप लोग फिर वहां पे रीड करेंगे। एग्जाम में कैसे रीड करना वो आप लोग बताएंगे। तो मोस्टली लेक्चर तो मैंने ले रखे हैं इमेजिंग के, तो वो लेक्चर आपने पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। जब भी मैं इसकी क्लास लूंगा इमेजिंग की, तो मैं आप लोगों को प्रीवियस इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ ये लेक्चर होगा, तो आप लोग उसको तैयार करके आएंगे थ्योरी में। तो थ्योरी क्लास में जो भी लेक्चर लिया हुआ होगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, वहां कैसे रीड करना है, हाउ टू रीड इन द एग्जाम, उसको हम फिर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। हाउ टू रीड इन द एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। और फिर इसमें हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो वाइवा, जो टेबल वाइवा के क्वेश्चन होते हैं ना इमेजिंग में, उस पर फिर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर, देखो यही हो गया ना, आप लोग मेरे से पूछेंगे कि कितना, कितनी क्लासेस चाहिए, कितना टाइम चाहिए, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप प्रॉपर अगर नहीं पढ़ के आएंगे, नहीं अगर एक क्लास में फिनिश हो रहा है, तो फिर मेरे को दो क्लास लेनी पड़ेगी, फिर दोबारा आप लोगों को टास्क दूंगा कि नहीं थ्योरी दोबारा, थ्योरी का इसका इमेजिंग का लेक्चर दोबारा पढ़ो, फिर उसके बाद फिर से मैं आप लोगों से रीड करवाऊंगा। फिर जब आप लोगों का एकदम कंफर्म हो जाएगा, रीडिंग एकदम प्रॉपर हो जाएगी, देन आई विल मूव फर्दर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपके ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा है नहीं, आपको समझ आ रहा है नहीं, इससे ये आइडिया मेरे को लगेगा। और जब आप लोगों को एकदम अच्छे समझ आ जाएगा, तभी मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो ये है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया, ये हो गया रेटिना के सारे लेक्चर, वो हो गए केसेस हो गए, फिर इमेजिंग हो गया, फिर रेटिना में ही जो भी सर्जरी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सर्जरी, वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सर्जरी के वीडियोज में ग्रुप में पेस्ट करूंगा। वो वीडियोज आपने देखने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल विट्रो रेटिनल सर्जरी की वीडियो है, या ईआरएम पिलिंग की वीडियो तो दिखाई हुई है इस प्रीवियस 2-3 आवर्स की एग्जाम्स में, उनमें बताया गया है, ये वीडियो दिखाई गई है वहां पे, और डायग्नोसिस पूछा गया है कि हाँ किस, ये किसकी वीडियो है, क्या डायग्नोसिस है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, और क्या ट्रीटमेंट है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन है। वो जैसे पोस्टियर डिसलोकेटेड लेंस की लास्ट लास्ट ऑस की एग्जाम में ये वीडियो दिखाई गई थी, पोस्टियर डिसलोकेटेड लेंस की ऑस की एग्जाम में। तो ये भी हम, ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिसलोकेटेड लेंस सर्जरी की जो वीडियो है, वो भी मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, आपने देखनी है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ग्रुप में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो इमेजिंग में भी क्या करेंगे, मैं इमेजिंग ग्रुप में भी पोस्ट करूंगा, आप लोगों ने कैसे एक्सप्लेन करना है उसको, वो आप लोगों ने ग्रुप में ही ऑडियो अपनी रिकॉर्ड करके और भेजनी है, फिर उसमें मैं एनालाइज करूंगा कि किसकी अच्छी है, किसकी थोड़ी सी कम अच्छी है, कौन अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिंग को, अच्छे से रीड कर रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे कि यहाँ किसकी बेस्ट है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने भी तैयार करनी है, जिसको अगर कोई कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमारा वीडियोज के जितने जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये जो वीडियो सर्जिकल वीडियोज हैं, ये अगर कंप्लीट हो गए ना, इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर इंस्ट्रूमेंट, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे रीड करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के। ठीक है, जैसे रेटिना हमने खत्म किया, पूरे रेटिना के जितने भी केसेस हैं वो हम पहले वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर उसकी जितनी भी इमेजिंग है वो डिस्कस करेंगे, उसमें जितनी भी सर्जरी, वो फिर उससे रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, वो सारे इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे। आप लोग, मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है उसी तरीके से। तो हाउ टू एक्सप्लेन इन दी प्रैक्टिकल एग्जाम, ये हम देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, और वाइवा में उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सिमिलर ड्रग में भी जो भी मैनेजमेंट होगा, ड्रग जो भी टेबल वाइवा में ड्रग होंगे, वो सारे ड्रग्स एक एक करके हम क्या करेंगे अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में। और लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये सब आपका प्रिपेयर हो जाएगा ना, रेटिना का, रेटिना के केसेस भी हो गए, इमेजिंग भी हो गई, सब हो गया ना, तो फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में रेटिना के जितने भी ऑस्की के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में, और ये इंटरेक्टिव होगा, आप लोग आंसर करेंगे बेस्ड ऑन जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा इसमें, इसी पे ही बेस्ड मैं ऑस्की के क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर ये इंटरेक्टिव सेशन होगा, आप लोग आंसर करेंगे और कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपकी इंप्रूवमेंट और होनी चाहिए,
क्लिनिकल एग्जामिनेशन में और क्या आपको एड ऑन करना चाहिए वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी इंटरेक्टिव सेशन होगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को अप्रोच भी बताऊंगा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसकी में तो भी आपने कैसे अप्रोच करना है जिससे आपको कम से कम 50% मार्क्स तो मिल जाए, बिल्कुल एकदम छोड़ के नहीं आना होता कोई भी उसकी, इसकी मैं स्ट्रेटजी आप लोगों से डिस्कस करूंगा जब इसे उसकी पढ़ाऊंगा कि कैसे आपने अप्रोच करना है उसकी को, ठीक है। ये एकदम इजी है और एकदम इजी है उसकी को अप्रोच करना, ये मैं आप लोगों को फर्दर लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर उसका जो भी आंसर्स आप लोग बताएंगे उसके उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है। कैसे उसको सोचना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, उसमें क्या क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाइवा में क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे इस पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन क्लास फॉर दिस प्रैक्टिकल एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स, यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन इस इससे रिलेटेड।